स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी कोरियन लैंग्वेज एकेडमी रावलपिंडी की तरफ से जब से खारिज है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हस्बे वादा, बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे 2022 का जो EPS टॉपिक टेस्ट है उसके मेरिट के मुतालिक। तो हस्बे वादा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही कोई कन्फर्म न्यूज़ आएगी तो फिर मैं आपसे इंशाल्लाह ताला वीडियो के ज़रिए मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ये अब खुशी की बात यह है कि जो है मेरिट के कन्फर्म हो गया इस दफ़ा 2022 का, कि इस दफ़ा जो मेरिट है ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 110 या उससे ज़्यादा हैं वो इंशाल्लाह ताला मेरिट लिस्ट में कन्फर्म है। अब ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके नंबर 110 या उससे ज़्यादा हैं वो अपने मेडिकल के लिए तैयारी करें। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। हमारी अकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं उन तमाम को मुबारक, और पूरे पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट पास हुए उन सबको मुबारक। और अब आपने अगला मरहला ये है कि अपने मेडिकल की तैयारी करनी है। मेडिकल की तैयारी के लिए आपका ये है कि आपने सबसे पहले अपने तौर पर जिनके नंबर 110 या उससे ज़्यादा हैं किसी भी अच्छी लैब से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फिर उसके अलावा SGPT ALT जो होता है वो, फिर कोलेस्ट्रॉल, ये लाजमी अपना चेक, और चेस्ट एक्सरे ये लाजमी करवाएं अपना अपने तौर पर ताकि आपको तसल्ली हो जाए। उसके अलावा फिर रोस्टर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। रोस्टर के लिए आपको सबसे पहले आपका जो है ना पासपोर्ट चाहिए होता है, ऐसा पासपोर्ट जो कम अज़ कम एक साल वैलिड हो। दो अदद तस्वीर पासपोर्ट साइज़, लेकिन वाइट बैकग्राउंड में, अच्छा वाइट बैकग्राउंड में हो लेकिन आपने कपड़े वाइट ना पहने हुए, यानी आपकी टी शर्ट या शर्ट जो भी आपने पहनी हुई है वो वाइट नहीं होनी चाहिए। फिर आपने पगड़ी, टोपी या ऐनक ना पहनी हो। तो ये चीज़ें आप अपने तौर पर, हाँ बैंक अकाउंट आपका अपना ज़ाती बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसकी जो चेक होगा उसकी फ़ोटोकॉपी आपने रोस्टर फॉर्म फिल करेंगे तो उसके साथ आपको अटैच करनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरी चीज़ें थी, मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर कर दूँ जो है ना। तो अब एक और चीज़ आपके लिए कि जो लड़के जिनके नंबर 110 से कम थे, 105 या कोई भी जितने भी नंबर थे, जो इस दफ़ा मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकेंगे, तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि तैयारी जारी रखें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा से टेस्ट की अनाउंसमेंट आने वाली है। अब जिन्होंने पहले से तैयारी की हुई है, नंबर कम आए हैं, उनको तैयारी ऑलरेडी 50% प्रिपेयर है उनकी तैयारी, अपने तौर पर तैयारी जारी रखें ताकि नेक्स्ट टेस्ट में आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह ताला आप पास होंगे। वो कहते हैं ना कि ट्राई अगेन, एक दफ़ा नाकाम होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना ये चांस खत्म हो गया, नहीं, आपने दोबारा से फिर ट्राई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको अपने मिलेंगे जो पहली दफ़ा जिनको नाकामी हुई लेकिन दूसरी दफ़ा उन्होंने अच्छी तरह प्रिपेयर किया अपने आप को, उनको पता लग गया था कि टेस्ट किस टाइप का होता है, इसलिए उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया और सेकेंड टाइम उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लेके टेस्ट को पास किया। तो आपसे भी गुजारिश है कि अपने आप को जो है ना दोबारा से प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना वो टेस्ट की डेट आने वाली है, आप अपने आप को तैयार रखें। उसके अलावा रिटर्निंग मेरिट, इस दफ़ा फिर रिटर्निंग टेस्ट हो रहा है, आपको पता है 20 तारीख से टेस्ट शुरू, रिटर्निंग का 20 नंबर से। तो जैसा कि रिटर्निंग मेरिट के बारे में अभी तक कोई कन्फर्म न्यूज़ तो नहीं आई, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मिली हमें कि इस दफ़ा मेरिट कम होगा, यानी उतना ज़्यादा नहीं होगा जो इससे पहले होता था। अब कन्फर्म मेरिट क्या होगा ये भी मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, उसके बाद जब कन्फर्म न्यूज़ आती है फिर मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप सब जो है ना इस पर अमल करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।